आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होने के बाद एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बोली लगाई गई। बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों रुपए में बिके, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से मेंटर के तौर पर जुड़े गौतम गंभीर ने खुद अब प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो चलिए बताते हैं कौन से 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस टीम में। लेकिन अगर आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित हुए आईपीएल ऑक्शन के बाद अब लगभग सभी टीमों के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी आ चुके हैं। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से नीलामी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मिचेल स्टार्क जैसे बड़े खिलाड़ी के ऊपर 24 करोड़ 75 लाख रुपए की नीलामी कर दी। लेकिन ऐसे में खुद गौतम गंभीर ने 11 खिलाड़ी जो टीम में खेलते हुए नजर आएंगे इनका ऐलान कर दिया है। गौतम गंभीर ने आईपीएल ऑक्शन के बाद बातचीत करे और उन्होंने उन 11 खिलाड़ियों का नाम भी दिया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ वेंकटेश अय्यर को इस टीम में शामिल किया है। वहीं तीसरे खिलाड़ी के रूप में गौतम गंभीर ने बताया कि श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। गौतम गंभीर ने कहा, अगर गुरबाज को बाहर किया जाएगा तो उनकी रिप्लेसमेंट में जेसन रॉय टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वहीं चौथे खिलाड़ी के रूप में नीतीश राणा तो पांचवें खिलाड़ी के रूप में रिंकू सिंह टीम का हिस्सा रहेंगे, जो कि बड़े शॉट के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। गंभीर ने कहा, यह हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा किसी भी टीम को धराशाही करने के लिए। गौतम के मुताबिक आंद्रे रसेल का खेलने इस टीम में पूरी तरह से तय माना जा रहा है, जो कि 6 नंबर की भूमिका निभाएंगे। बल्ले के साथ गेंदबाजी में भी बेहतर करने की काबिलियत रसेल अपने पास से रखते हैं। वही सातवें खिलाड़ी के रूप में सुनील नारायण इस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, जो कि लगातार अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का कारनामा पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्हें के कंधों पर होगी। उन्होंने कहा, इस खिलाड़ी से काफी ज्यादा उम्मीद है और कोलकाता की टीम यही चाहेगी कि वह अपना टीम के लिए बेस्ट दे। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा जैसे स्पिन गेंदबाजों का खेलना है, जबकि तेज गेंदबाज के रूप में गौतम गंभीर के मुताबिक हर्षित राणा इस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। लेकिन विकल्प के तौर पर चेतन साकरिया को भी बीच में मौका मिलेगा। इस तरह से गौतम गंभीर ने इन 11 खिलाड़ियों का टीम में खेलने के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम आईपीएल 2024 के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।